ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो लेट अस टेक ए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे ए बी सी दे बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए is not equal to zero. A is not equal to zero. And we know that the solution of this equation by the formula method x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. So yahan se iske do solution honge. Ek solution hoga minus b plus root b square minus 4ac upon 2a, aur ek solution hoga minus b माइनस रूट बी स्केयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. तो यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बी स्केयर माइनस फोर ए सी अपॉन सॉरी बी स्केयर माइनस फोर ए सी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है. सो ये हमें बताएगी, दिस विल गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ द रूट. नेचर ऑफ द रूट हमें यहाँ से पता चलेंगे. कैसे पता चलेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अभी. और इस चीज को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, डी आई एस सी आर आई एम ए एन टी. सो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय ए लेटर कैपिटल डी. सो ये डिस्क्रिमिनेंट बताएगा हमें नेचर ऑफ द रूट. कैसे बताएगा ये डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ द रूट? सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने लिखी डी इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस फोर ए इंटू सी. अब ये डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चलेगा कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट होंगे. सो लेट अस टेक द केस वन. केस वन, इफ द वैल्यू ऑफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मींस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो. सो इन दिस केस वी विल हैव टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन. टू डिस्टिंक्ट रूट, टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ आवर इक्वेशन. दो डिस्टिंक्ट रूट हमें यहां से मिलेंगे. टू डिस्टिंक्ट का मतलब दो अलग अलग रूट हमें यहां पे मिलेंगे. टू डिस्टिंक्ट रूट, दो अलग अलग रूट हमें यहाँ पे मिलेंगे. दो अलग अलग, दो सेपरेट रूट हमें यहाँ से मिलेंगे अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है और बी स्केयर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा है. नाउ केस टू. केस टू, इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स बी स्केयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो. So, इस केस के अंदर वी विल गेट अगेन, वी विल हैव टू रूट्स. वी विल हैव टू रूट्स, टू इक्वल रूट्स. अब यहां पे दोनों इक्वल रूट होंगे, एक जैसे दोनों इक्वल रूट होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाए. केस थ्री. केस थ्री, इफ द वैल्यू ऑफ डी इज लेस देन जीरो, that means b square minus 4ac is less than 0, so we will have no root. We will have no root, no root. yahan pe koi root hame nahi milega, hamari quadratic equation ka koi solution nahi milega. so ab in teeno cheezon ke upar ye d ke upar डिपेंड करेगा कि हमारे इक्वेशन के, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. सो लेट मी टेक वन एग्जांपल. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक.
we are given 4x square minus 12x plus 9 minus 12x plus 9 is equal to 0, and find nature of root of this quadratic equation. हमें यहाँ पे रूट कैलकुलेट नहीं करने हैं, हमें यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट कैलकुलेट करना है. सो वो हमें पता चलेगा बाय द डिस्क्रिमिनेंट. सो लेट अस चेक द डिस्क्रिमिनेंट. सो यहाँ पे ए कितना है, ए इज इक्वल टू 4, बी कितना है माइनस 12, और सी कितना है 9. सो लेट अस टेक डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू b square minus 4ac. So d is equal to b square. B square means minus 12 ka square. Minus 4 into a into c. So d is equal to 144 minus, this becomes again 144. So the value of D is equal to 0. So ये हमारे पास second case हुआ कि value of D is equal to 0. So यहाँ पे we will have two equal roots. So यहाँ हमारे पास इस equation के दो equal root आएंगे, two equal root. हमें वो root calculate नहीं करने, but यहाँ पे ये sure है कि ये जो discriminant 0 है, ये हमें क्या information देगा कि हमारी जो quadratic equation है given quadratic equation will have two equal roots. दो root होंगे, एक जैसे root होंगे, two equal root. So यहाँ पे हमें nature of root पता लगाना था, वो हम पता लगा चुके हैं कि हमारे पास इस quadratic equation के दो root होंगे और वो दोनों के दोनों root एक जैसे होंगे. So now let us take the second case, second question. We are given 2x square minus 4x plus 3. 2x square, so question number 2. 2x square minus 4x minus 4x plus 3 is equal to 0, and find the nature of the root. So a kitna ho gaya 2, b kitna ho gaya minus 4, c kitna ho gaya 3. So find discriminant. D is equal to b square minus 4a into c. So discriminant D is equal to b square means minus 4 ka square. Minus 4 ka square minus 4 into a into c. So discriminant D is equal to 16 minus 24 is equal to minus 8. So discriminant की वैल्यू आ गई हमारे पास minus 8, and which is less than 0. So ये हमारे पास केस हो गया, केस नंबर 3. तो यहाँ से discriminant की वैल्यू less than 0 है, so it will have no root. So इस quadratic equation का कोई root नहीं होगा, no root. तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि quadratic equation के root होगा या नहीं होगा. So इसका तो कोई root होगा ही नहीं. So ये quadratic equation के कोई solution होगा ही नहीं, कोई root इसके होगा ही नहीं, तो रियल रूट यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. 4x square minus 5x minus 3 is equal to 0, minus 3 is equal to 0, और फाइंड द नेचर ऑफ द रूट. सो यहां पे a कितना हो गया 4, b कितना हो गया minus 5, c कितना हो गया minus 3. So, अब नेचर ऑफ द रूट के लिए d निकालेंगे. d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4a इनटू c. सो b स्क्वायर मींस 4 स्क्वायर माइनस 4 इनटू a इनटू माइनस 3. सो यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d दैट विल कम आउट 16, और ये माइनस ये हो गया प्लस, ये आ गया 48. सो जो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 48 प्लस 16
So, sorry, b square means 5 का स्केयर होगा यहाँ पे, 5 का स्केयर, माइनस फाइव का स्केयर, so this becomes 25, this becomes corrected, this is 25, this is not माइनस फाइव का स्केयर होगा, b स्केयर. So now 25 plus 48, it becomes 73, and 73 is greater than 0. So ये हमारे पास केस आ गया first. So इसमें क्या होगा, d is greater than 0. So it will have two distinct root. तो ये जो हमारी quadratic equation है, it will have two distinct root. So, बच्चों हमने यहाँ पे चेक किया कि हम कैसे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट को पता लगा सकते हैं, किस केस में हमारे पास रूट, किस केस के अंदर हमारे पास रूट डिस्टिंक्ट होंगे, किस केस के अंदर इक्वल रूट होंगे, और किस केस के अंदर हमारे पास नो रूट होगा. सो ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, वी विल हैव टू डिस्टिंक्ट रूट. If value of discriminant is equal to zero, we will have two equal root. And if the value of discriminant is less than zero, we will have no root. So, okay, students. So that's all for today. Okay, thank you.